तो गाइज मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ अभी, और कविता भी नहा के आ गई है रील्स बनाने के लिए। ये नहाती है सुबह 10 बजे, लेकिन आज ये 6 बजे ही नहा के आ गई है क्योंकि इसको रील्स बनानी है, काकी साहब फिर चले जाएंगे इसलिए। तो कविता ने पहनी आज फ्रॉक और काकी साहब ने पहना है जींस लहंगा, टॉप। जींस लहंगा टॉप लहंगा ही पहना है मैं तो, है ना। अब हम बनाते हैं थोड़ी सी रील्स जो कि ये वीडियो आने से पहले ही अपलोड हो चुकी होगी, है ना। तो सीनू आज तो जोधपुर चला जाएगा आसाम के यहाँ ही लिए। नहीं, हाँ फिर मैं चल लूँ तुम्हारे साथ आसाम? बोले चलो। जेरा चाहता चल लो क्या सीनू? अरे चलो, सिनो का मन नहीं है इसलिए हाँ भी नहीं बोलना है, नहीं भी नहीं बोलना है। अरे बोलना, मैं चलूंगी तो फिर तू यही रह जा, कूड़ में यही रहेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना दीदी, यही कर पढ़ना है लेना, अभी आपने। ये भी स्कूल है। चलो पी लेना घटघट एक बार में, फिर पता ही नहीं चलेगा। घट कर सकती तो 2-3-4 घूट पी दे। हाँ पी दे पी दे। वॉन भी तो नहीं है जना दुर भावे। तो अभी मैं लहसुन छील रही हूँ, और पहले हम लोग दही और सोगरा में कलेवा करने वाले थे, वही सोगरा बना रहे हैं अभी, और हम सोगरा और दही में खाके जाने वाले थे, लेकिन अब मेरे भाई के साथ मेरे भाभी भी आ रहे हैं इसलिए अब हम खाना बनाएंगे उनके लिए, हलवा और सब्जी रोटी। तो अब मैं लहसुन छील रही हूँ यहाँ पे ये, और सब्जी बनाऊंगी राबोड़ी की क्योंकि मेरे भाई को आलू और राबोड़ी ही ज़्यादा पसंद है, या फिर काकड़े की सब्जी, ककड़ी जो होती है वो। तो हम बनाएंगे उसके लिए घर की देसी सब्जी राबोड़ी की, और पैकिंग सारी हो गई है, बच्चों को नहला दिया, सब फ्री है, बस अब वो आ जाएंगे थोड़ी देर, उनसे बातें करेंगे फिर हम निकल लेंगे जोधपुर के लिए। अभी तो हम आज जोधपुर जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इतने खुश क्यों हो आज आप? और अगर आप इतने खुश हो तो रात में वो आंसू क्यों आ रहे थे? आपको किसी ने मारा था क्या? ओवर रिएक्ट कर रहे थे। ओवर रिएक्ट क्यों किया इतना? आज आप इतने गोरे कैसे लग रहे हो? फाउंडेशन लगा के आए हो क्या? गोरी हूँ तो गोरी लगूंगी, इसमें क्या है। साथ में आते हैं, चलो एक मिनट। अच्छा उतर गई हो? तो आपको अपने ननद के घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप क्या चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे? तो आपकी सेवा करें। नहीं जी, को स्कूल गया हुआ है, हम रास्ते में लेंगे उसको जाते टाइम।
अभी हम ले लेंगे उसको, ठीक है? प्याज की है या फिर कैरी बंदा? राबोड़ी है, राबोड़ी। राबोड़ी मैं भी खाऊंगा, राबोड़ी मैं खाऊंगा, राबोड़ी। चम्मच दे दो भैया, रोटी रोटी रखो, चम्मच चम्मच रोटी ना। तू क्या कर रहा है? अरे मानो छीनू। थेलो घणो आयो भाई, घर बैठा हो ना काकी सर, राबोड़ी लो देखो आज मैडम जी नहीं हुई जी माँ। सो फ्रेंड्स, आज आए हैं मेरे भाई और भाभी, पहली बार आए हैं मेरे भाभी और पहली बार अपने ननद का ससुराल देख रहे हैं वो। तो अभी मैं खाना वाना खिला के उनको फिर लेके आई हूँ जेठ जी वाले घर में। तो थोड़ी देर यहाँ भी बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे जोधपुर के लिए। और आज मैं जोधपुर जा रही हूँ फाइनल, अब आसाम जाना है मुझे। परसों ट्रेन है मेरी 2 दिन बाद ही, तो इसीलिए अब मैं यहाँ ससुराल से चली जाऊँगी आज और फिर जाएंगे हम आसाम। तो यहाँ भाभी को लेके आए हैं गरबर दिखाने। ये कविता की मम्मी ने भाभी को दिया है ड्रेस और मेरे भाभी आए तो सबके लिए कपड़े लेके आए थे। और यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी और जा रहे हैं वापस। सब लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं, तो ज़्यादा कुछ क्लिप तो मैंने बनाई नहीं है। और चिकू स्कूल गया हुआ है तो हम उसको भी लेके आने वाले हैं अभी, रास्ते से उसको भी ले लेंगे। और ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम आपसे जोधपुर में। और ये वाले ब्लॉग को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।